गाइज व्हाट्सअप, आई होप यू आर डूइंग वेल। मैं सुधीर एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स में। देखिए, यूपी पुलिस की एग्जाम हो, वीडियो का एग्जाम हो या फिर लेखपाल का एग्जाम हो, उसके लिए भारत के भूगोल का एक टॉपिक इंपॉर्टेंट है, भारत में सिंचाई परियोजना। इसको हम इस वीडियो में पूरा कवर करेंगे, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, ठीक है। और ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं जाएगा, क्योंकि थोड़ा सा ही टॉपिक था जो इंपॉर्टेंट है, जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसको अच्छे से कवर करेंगे। देखिए, अगर जो आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण होने वाला आपके एग्जाम्स के लिए, तीनों एग्जाम जो मैंने बताया, ठीक है। देखिए, आप हमारे कोर्सेज जो है, वीडियोज जो है, वो अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पर भी देख सकते हैं। करना ये है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से डायरेक्ट आप मुझे अनअकैडमी फॉलो कर सकते हैं। करंटली बात करें तो यूपी ट्रिपल से वीडियो के लिए क्लासेस चल रही है, यूपी पीएससी और की बात करें तो इसमें मिडिल हिस्ट्री का क्रैश कोर्स चलाया जा रहा है, तो आप जाके देख सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप फॉलो कर लीजिए। तो हम बात कर रहे थे भारत में सिंचाई परियोजनाओं के बारे में, ठीक है। तो इसमें देखिए, भारत में जो सिंचाई परियोजना है उसको तीन भागों में बांट दिया गया है। एक होती है हमारी वृहद सिंचाई परियोजना, एक मध्यम सिंचाई परियोजना, एक लघु सिंचाई परियोजना, ठीक है। तो इसको समझना जरूरी है, तो इसमें क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है। तो मध्यम सिंचाई परियोजना है वो किस कृषि योग्य भूमि के लिए अनिवार्य है, ठीक है। अब देखिए, इसमें सिंचाई परियोजना तीन भाग से किस प्रकार से बांटा गया, ये भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बृहत यानी कि बड़ा सिंचाई परियोजना को हम मान सकते हैं। इसमें जिसके पास 10,000 हेक्टेयर से अधिक भूमि कृषि योग्य भूमि हो, वहाँ पर बृहत सिंचाई परियोजना बनाई जाती है। 10,000 हेक्टेयर से अधिक भूमि कृषि योग्य भूमि जहाँ पर है, वहाँ पर बृहत सिंचाई परियोजना बनाई जाती है। उसके बाद 2,000 से 10,000 के बीच हेक्टेयर है, ध्यान रखिए, 2,000 से 10,000 हेक्टेयर के बीच जो कृषि योग्य भूमि है, वहाँ पर मध्यम सिंचाई परियोजना चलाई जाती है। उसके बाद हमारा था लघु सिंचाई परियोजना, जहाँ पर 2,000 हेक्टेयर से कम कृषि योग्य भूमि है, वहाँ पर लघु सिंचाई परियोजना चलाई जाती है। कुल मिला के कृषि योग्य भूमि की बात है, जहाँ पर 10,000 हेक्टेयर से अधिक है, वहाँ पर वृहद सिंचाई परियोजना, 2,000 हेक्टेयर से लेके 10,000 हेक्टेयर के बीच है तो मध्यम सिंचाई परियोजना, और 2,000 हेक्टेयर से कम कृषि योग्य भूमि है तो लघु सिंचाई परियोजना योजना चलाई जाती है। उसके बाद देखिए, भारत में सिंचाई के लिए बात करें, सबसे ज़्यादा जो डिपेंडेंट रहते हैं वो कुओं और नलकूपों पर। भारत में सबसे ज़्यादा जो सिंचाई होती है कुओं और नलकूपों से होती है। इसमें 55.9 यानी कि 56% जो सिंचाई भारत में होती है वो कुओं और नलकूपों से होती है। उसके बाद आता है नहर, नहर से 35% के समथिंग होता है, तालाब से 6.1%, अन्य स्रोत जो हैं वो 6.6%, यानी कि सबसे ज़्यादा कुओं और नलकूपों से होती है, ठीक है। अब देखिए, विश्व में सर्वाधिक सिंचाई जो सिंचित क्षेत्र है वो चाइना है, विश्व की सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र चाइना है 21%। भारत दूसरे नंबर पे आता है, थोड़ा सा कम, 20.20%, ठीक है। अब देखिए, प्रायद्वीपीय भारत, प्रायद्वीपीय भारत मतलब तीनों ओर से जो समुद्र से घिरा हो, एक और स्थल से घिरा हो, नीचे वाला जो क्षेत्र होता है, इसकी बात करें, इसमें सिंचाई का प्रमुख साधन जो है वो तालाब है। तालाब द्वारा सर्वाधिक सिंचाई तमिलनाडु राज्य में होती है, और सर्वाधिक देखिए तमिलनाडु में नलकूप व पंपसेट से भी होती है। यानी कि बात करें, यहाँ से दो क्वेश्चन क्लियर होते हैं। प्रायद्वीपीय भारत में जो साधन है सिंचाई का, सिंचाई करने का, खेतों में पानी डालने का, वो तालाब है, ठीक है। और एक क्वेश्चन और बन जाता है, इसका तालाब द्वारा सर्वाधिक सिंचाई तमिलनाडु राज्य में होती है, और सबसे ज़्यादा नलकूप और पंपसेट किस राज्य में है, तो आप कहेंगे तमिलनाडु। सबसे ज़्यादा नलकूप पंपसेट तमिलनाडु में है, और तालाबों द्वारा भी सर्वाधिक सिंचाई तमिलनाडु में होती है। और प्रायद्वीपीय भारत, पूरे प्रायद्वीपीय भारत की बात करें तो सर्वाधिक साधन, सबसे अच्छा जो साधन है सिंचाई के लिए वो तालाब है, ठीक है। तो ये थे आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके, ठीक है। इसको भारत में सिंचाई परियोजना से जो एग्जाम में पूछा जाए, सबसे ज़्यादा आपका यही पूछा जाता है, नलकूप एवं पंपसेट भारत में सिंचाई का सबसे अच्छा साधन कौन सा है। अब देखिए, भारत के भूगोल की बात करें, देखिए भारत के उद्योग और धंधे, ये आपका टॉपिक बचा है। भारत का परिवहन, ये आपका टॉपिक बचा है। भारत की जनगणना, ये तो तीन टॉपिक हैं, प्लस आपके दो दिन और लेंगे जो अदर चीज़ें हैं उसको बताने में, एक दिन एक्स्ट्रा मान के चलिए, मतलब एक हफ्ते, 60 डेज, मतलब 1 वीक में आपका भारत की ज्योग्राफी ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद हम यूपी का जीके शुरू करेंगे, ठीक है। तो अच्छे से बने रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए, चीज़ों को क्लियर करते रहिए। तो चलिए, वीडियो को ख़त्म करते हैं। वीडियो को लाइक, अभी वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय दोस्तों, जय भारत।